हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2 चम्मच तेल में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बनाने में इतना आसान कि पूछिए मत। फटाफट से बन करके तैयार हो जाता है, बहुत ही कम मेहनत लगता है बनाने में। ये नाश्ता घर के बेसिक सामान से ही बन करके तैयार हो जाता है, तो चलिए बनाते हैं। नाश्ता बनाने के लिए हम सूजी लिए हैं, जो कि किसी भी चीज़ से नाप लीजिएगा। हम यहाँ पर कटोरी से नापे हैं 1 कटोरी, और थोड़ा सा था, आधा कटोरी से भी कम है। और इसी कटोरी से अब हम पानी लेंगे। 1 कटोरी सूजी में 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। उस हिसाब से हम यहाँ पर 2.5 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी डाले हैं। आप जिस बर्तन से सूजी नापिएगा उसी बर्तन से पानी भी लीजिएगा। यहाँ पर हम 1 चम्मच तेल डाल दिए हैं, यहाँ पर गैस जला दिए हैं, पानी को उबलने देंगे और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। अगर आपको तीखा नाश्ता बनाना है तो यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और 1 मुट्ठी धनिया पत्ती डाल देंगे। पानी में उबाल आ गया है, और इसी जगह पर अगर तीखा पसंद है तो मिर्ची भी डाल सकते हैं, हम मिर्ची नहीं डाले हैं। अब पानी में उबाल आ गया है, देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से सूजी गिराते जाएंगे और चला के मिलाते जाएंगे। अगर एक बार में सूजी डाल देंगे तो गुठली हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे ही सूजी गिराएं और इस तरह से चलाते हुए मिला लें, और गैस का फ्लेम लो ही रखें। देखिए पानी सूजी कैसे सोख लिया है, और धीरे धीरे चलाते चलाते डो के तरह होने लगा है। यहाँ पर सूजी अच्छे से पक गया है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हम इसे ढक करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर एक बात बता दें फ्रेंड्स, कि सूजी को खुला में ठंडा नहीं करें, नहीं तो सूजी सूख जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 पैन चढ़ाए हैं, इसमें हम थोड़ा मूंगफली भुनेंगे, इससे हम मसाला तैयार करेंगे। मूंगफली भुनने के लिए गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे ताकि ऊपर का छिलका काला ना पड़े। देखिए कितने अच्छे से भुन गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसी पैन में हम 1 चम्मच जीरा डाले हैं और 2 चम्मच धनिया डाले हैं, इसे भी हम भून लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच सौंफ डालेंगे थोड़ा सा इनको भूनने के बाद। देखिए थोड़ा सा भून लिए हैं, अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच सौंफ डालेंगे। आप चाहे तो बड़ी चम्मच से 1 चम्मच ही डालिएगा। इस नाश्ते में इस तरह मसाला भून करके दरदरा कूट करके डालिएगा तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे भी हम निकाल लेंगे। इन मसालों को पहले हम ठंडा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मूंगफली, धनिया की पत्ती लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं, और धनिया जीरा जो भून करके रखे थे वो ले लिए हैं। ठंडा होने के बाद इसे दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पर 1 कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिए थे, उसमें 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं। देखिए तेल गरम हो गया, 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग डाल दिए हैं, वो भी अच्छे से चटक गया। अब इसमें हम चॉप किया हुआ 1 टमाटर डाल देंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। यहाँ आज हम बिना लहसुन और प्याज का बना रहे हैं, इसलिए लहसुन प्याज नहीं डालेंगे। यहाँ पर हल्दी थोड़ा सा कलर के लिए डाल दिए। अब ये मसाला जो दरदरा कूट कर रखे थे इसे हम डाल देंगे। चाहे तो आप इसे कूट करके भी डाल सकते हैं, या तो मिक्सी में भी थोड़ा मोटा मोटा ही पीस लीजिएगा। हम यहाँ पर मिक्सी में ही थोड़ा पीस लिए हैं, बहुत चिकना नहीं कीजिएगा। यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च डाले हैं और 1/2 चम्मच मिक्स मसाला डाले हैं, इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, ऐसे ही भून लेंगे। और अब हम उबाल के आलू रखे थे उसे भी हम इसमें डाल देंगे और चलाते हुए भुनेंगे, और इस तरह से जो बड़ा बड़ा टुकड़ा है आलू का उसे तोड़ते जाएंगे और अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। यहाँ पर 1 मुट्ठी कसूरी मेथी इस तरह से क्रश करके डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए बड़ा बड़ा टुकड़ा इसे तोड़ दिए हैं, और यहाँ पर गरम मसाला डाल देंगे। सब्जी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, देखिए फिर भी अच्छे से भून गया है, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर जो सूजी रखे थे इसे अच्छे से मसलते हुए मिलाएंगे। सूजी थोड़ा ड्राई लग रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और मिलाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, 1-2 चम्मच पानी लगेगा। देखिए किस तरह से सूजी अच्छे से नरम हो रहा है। 2 चम्मच हम इसमें पानी डाले हैं। 2 चम्मच पानी डालने के बाद देखिए सूजी किस तरह से सॉफ्ट हो गया है,
और बहुत ही अच्छे से मिल गया। हाथ में अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा तेल ले लेंगे और इस तरह से लगा के इसे मिलाएंगे तो चिपकेगा नहीं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा से सूजी मिल गया है, एकदम चिकना चिकना। इस तरह से हाथ पे तेल लगा के और यहाँ पर जो सब्जी बना करके रखे थे ना उसे इस तरह छोटी छोटी लोई बना लेंगे और इसे इस तरह चपटा कर देंगे और इस तरह से पहले बना करके रख लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। देखिए इस तरह से चपटा कर लेंगे। अब हम फिर से हाथ पे तेल लगा करके और नींबू से थोड़ा सा बड़े आकार का लोई बना लेंगे। देखिए किस तरह से चिकना हो रहा है और इस तरह से हाथ से ही दबा दबा के चपटा कर लेंगे। आप चाहे तो प्लास्टिक पे रख करके इसे बेलन से भी बेल सकते हैं, पर हम यहाँ पर हाथ से ही चपटा कर लिए हैं। अब इसके ऊपर आलू का टिक्की रख करके इस तरह से दोनों तरफ से पहले अच्छे से मोड़ लेंगे और फिर इधर से भी मोड़ लेंगे। देखिए किस तरह से चारों तरफ से हम मोड़ लिए हैं। बहुत ही आसानी से मुड़ जाता है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होता है और बहुत ही आसानी से बन भी जाता है। हाथ से थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से शेप में दे देंगे बना करके, बहुत अच्छे से बन जाता है। देखिए चौकोर आकार में हो गया। आप नाश्ता को किसी भी आकार में बना सकते हैं, हम यहाँ पर चौकोर आकार में बनाए हैं। इसी तरह से हम बना लेंगे। आपके कढ़ाई में जितना आएगा तलने में उतना एक बार में बना के रख लेंगे और फिर तलेंगे। यहाँ पर एक चम्मच तेल डाले हैं पैन में और पैन को गर्म होने के लिए रख दिए हैं। पैन गर्म हो गया है, आधा चम्मच राई डाल देंगे और एक चम्मच छोटा चम्मच से जीरा डाल दिए हैं। यहाँ पर जीरा और राई अच्छे से चटक गया है। अब इसके ऊपर हम ये नाश्ता जो बना करके रखे थे ना वो डाल देंगे। इस जगह पर आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर तीखा पसंद है तो। हम यहाँ पर तीखा नाश्ता आज नहीं बना रहे हैं इसलिए लाल मिर्च नहीं डाले हैं। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर इसका बहुत बढ़िया आता है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा एक तरफ से सीख गया है। इस तरह से धीरे धीरे करके पलट देंगे और दूसरे तरफ से भी सीखने देंगे। बहुत ही जल्दी बन करके नाश्ता तैयार हो जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग भी ज़रूर से बना करके खाइएगा। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से सीख गया है। अब हम निकाल लेंगे और दूसरा बैच तल लेंगे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और घंटी दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए तो फिर सर्व करते हैं। ये नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, ऊपर से एकदम क्रिस्पी रहता है अंदर से सॉफ्ट। हम इस नाश्ते को टमाटो केचप के साथ सर्व कर रहे हैं। चाहे तो आप धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और वो आपकी मर्जी है। देखिए आप तोड़ के दिखाते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा टेस्टी सा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। अंदर से भी कितना अच्छा हल्का सा फूला फूला ही लग रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है नाश्ता देखने में, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी ज़रूर से बना करके खाइएगा। धन्यवाद।